हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज गुड। आज मैं आपके साथ एलजी डिशवॉशर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। रिसेंटली लॉकडाउन चलते मैंने ये परचेज किया है और इसके रिजल्ट मुझे काफी अच्छे मिले हैं। जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे उस पे खरा उतरा है। तो आइए देखते हैं एलजी डिशवॉशर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डिशवॉशर सेम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जैसे ही है। इसका डायमेंशन है 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। काफी कॉम्पैक्ट है और ये बहुत कम जगह लेता है। हमें जैसे लगता था कि ये काफी बड़ा होगा और जगह भी ज्यादा लेगा, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हैं इसका पावर सप्लाई कॉर्ड है। ये है वाटर सप्लाई होस जहां से पानी अंदर जाता है। नीचे सेम वॉशिंग मशीन के जैसे ही ड्रेनेज आउटलेट है, इसे ड्रेनेज होस कहते हैं। यहाँ मैंने किचन के ड्रेनेज से ही कनेक्ट करवा दिया है। लेट मी स्विच ऑन दी डिशवॉशर। आपको ये कंट्रोल पैनल देख सकते हैं जहां आपको अलग अलग फंक्शंस के टच स्क्रीन स्विच दिखेंगे। ये डोर हैंडल है जहां से डिशवॉशर ओपन होती है। नीचे लेवलिंग फीट है। चलो फिर लेट्स ओपन दी डोर। ये देखिए काफी बड़ा है अंदर से। ये दो आप रैक्स देख सकते हो, ये अपर रैक है, ये लोअर रैक। अपर रैक में ये जो डंडिया दी है इसमें आप ग्लासेस स्टैक कर सकते हो या फिर कप स्टैक कर सकते हो। ये स्पून्स के लिए जगह दी गई है जहां आप स्पून स्टैक कर सकते हो। जरूरत नहीं है तो आप ये जगह यूटिलाइज भी कर सकते हो बाकी बर्तन रखने के लिए। अगेन ये स्पेस है, ये डिश रैक है। अगर इसकी भी आपको जरूरत नहीं है तो आप ये क्लोज करके ये भी जगह यूटिलाइज कर सकते हो। ये अपर रैक के नीचे ये आपको वाटर स्प्रे आर्म है, फैन के जैसा होता है जहां से वाटर स्प्रे होता है। नाउ नेक्स्ट लोअर ये रैक देख सकते हैं आप। यहां से जो बड़े हथने थालियां होती है, बड़ी बड़ी डिशेस होती है, वो रखने के लिए जगह है। यहां भी है, काफी दी है। अगर आपको नहीं चाहिए, जितनी चाहिए वैसे आप खोल सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो ये स्पेस। ये अंदर आप देख सकते हो ये फैन जैसे, फिर से यहाँ भी एक और एक वाटर स्प्रे आर्म्स दी गई है जहां से पानी आता है, स्प्रे होता है। तो बेसिकली ये पूरे मशीन में दो वाटर स्प्रे आर्म्स है, एक ऊपर है एक नीचे है। ओके, ये अंदर आप अगर देख सकते हो ये सॉल्ट कंटेनर है जहां आपको सॉल्ट डालना पड़ता है। ओके, उसके नेक्स्ट ही आप ये देख सकते हैं ये ओपन होता है। इसमें सब कचरा जमा हो जाता है, जितना भी हम बर्तन रखते हैं, जो बर्तन रखते हैं उसमें से पूरा कचरा इसमें जमा हो जाता है। ये रेगुलरली हमें थोड़ा क्लीन करना पड़ता है, आफ्टर एवरी 2 डेज 3 डेज क्लीन करना अच्छा होता है। ये है स्टीम नूजल्स है, ये यहां से स्टीम पास की जाती है। ये आप देख सकते हो ये डिटर्जेंट डिस्पेंसर है, यहाँ आप डिटर्जेंट डाल के ये ऐसा सिंपली क्लोज करना है। ये रिंस ऐड करने के लिए जगह दी गई है इस मशीन के साथ। मुझे ये कटलरी रैक मिला है एक, और ये फनेल भी मिला है जो आप सॉल्ट ऐड करने के लिए यूज कर सकते हो। ये दो एक एडिशनल मुझे मिले हैं, जो बड़े बड़े अपने जो स्पून्स होते हैं, कटलरीज होते हैं, वो आपको ऐसे स्टैक करने हैं इसमें। बस जैसे कि आपने देखा ये डिशवॉशर काफी कॉम्पैक्ट है, कम जगह लेता है, किचन प्लेटफॉर्म के हाइट का ही है। और अंदर से इफ यू सी तो रैक्स भी काफी बड़े है, आप देख सकते हो काफी बर्तन रह सकते हैं। बहुत सिंपल सा मॉडल है ये। अगर आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बेल आइकन है, वो बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सब वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू।